नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे साथ है महिंद्रा की 300, मॉडल है AX5 मैनुअल पेट्रोल मॉडल और कलर है ब्लैक कलर, जिसकी सब बात कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इस ब्लैक कार में क्या कुछ ऑफर किया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी AX5 मॉडल का रिव्यू कर चुका हूं, तो आज मैं यहां पे पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्सटीरियर और इंटीरियर में यहां पे क्या कुछ चेंजेस है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वडोदरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पर कैरेवल महिंद्रा में आके चेक ज़रूर करें। यहाँ पर आपको सारी कार्स के टेस्ट ड्राइव मिल जाएंगे, अच्छे खासे ऑफर्स मिल जाएंगे और सारी कार्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर आके ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे इसके की से। तो कुछ इस तरह की दी गई है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन और बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। फ्लिप की आपको ऑफर की गई है। फ्रंट में आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो क्रोम फिनिश में मिलेगा। 6 आपको वर्टिकल लाइंस वो भी आपको क्रोम फिनिश में मिलने वाली है। नीचे आपको बड़ा सा एयर डैम, नंबर प्लेट की प्लेसिंग और यहाँ पे टो हुक दिया गया है। स्कीड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में मिलने वाली है। हेडलैम्प की बात करें तो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जो कि AX5 मॉडल में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए, DRL आपको मिल जाएंगे, फॉग लैंप आपको नहीं मिलने वाले हैं। बाकी ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्योर ब्लैक दिया गया है। जो ये आपको ग्रिल दिख रही है वो भी आपको प्योर ब्लैक मिलने वाली है और बाकी सब कुछ भी आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक मिलने वाला है। वाइपर्स एक बार चेक कर लें तो यहाँ पे कुछ इस तरह के नॉर्मल वाले वाइपर्स दिए गए हैं। बारिश की वजह से थोड़ी सी जो पानी के छींटे हैं उसके यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस आप देख सकते हैं, वो रह गए, उसे इग्नोर कीजिएगा। आप कलर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के साइड में। यह है गाड़ी का साइड। सबसे पहले बात करें टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर्स मिलने वाला है। एक बार टायर साइज चेक कर लें, 205/65R16, यानी कि 16 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिलने वाला है जो कि डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। इसे अगर आपको ब्लैक दिया गया होता तो और भी काफ़ी अच्छा लगने वाला था, लेकिन सिल्वर भी आपको डायमंड कट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लैडिंग पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ यहाँ पे फैली हुई है। ORVM की बात करें तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर ब्लैक कलर के ORVM मिलने वाले हैं। ये ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे जो कि इसी वेरियंट से स्टार्ट होते हैं। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ORVM पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो डोर हैंडल है वो भी आपको प्योर ब्लैक कलर में बॉडी कलर मिलने वाला है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। ऊपर रूफ रेल्स मिल जाएगी जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है। ऊपर का रूफ एक बार देख ले, पूरा ब्लैक आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो एंटेना है वो नॉर्मल वाला मिलने वाला है। पीछे का डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलने वाला है। तो पूरी गाड़ी में यहाँ पे पूरा सब कुछ ब्लैक दिया गया है। अभी बात करेंगे इसके पीछे की। यह है गाड़ी का रियर। रियर की बात करें तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉइलर मिलने वाला है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर की प्लेसिंग, डीफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर मिल जाएगा। नीचे आपको महिंद्रा का लोगो क्रोम फिनिश में मिलेगा। 300 की बैजिंग जो कि सिल्वर कलर में मिलने वाली है। बाकी कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स तो मिलने ही वाले हैं जो कि AX5 मॉडल से मिलते हैं। नीचे आपको यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे और यहाँ पे ग्रे कलर का आपको क्लैडिंग का यूज़ मिलने वाला है। स्कीड प्लेट आपको सिल्वर कलर में मिलने वाली है। नंबर प्लेट की यहाँ पे प्लेसिंग दी गई है। बाकी टेल लैंप्स की मैंने जैसे बात की, आपको पूरा यहाँ पे LED सेटअप मिलने वाला है। ब्रेक लाइट दी गई है और यहाँ पे रिवर्स लाइट दी गई है। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बूट स्पेस आपको मैं नहीं बताने वाला, लेकिन आपको इसका जो कैपेसिटी है वो मैं बता दूँ तो आपको यहाँ पे 364 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे दी गई है जो कि मैंने AX5 मॉडल में बताया हुआ है। यह है गाड़ी का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पे अभी आपको ड्यूअल कलर सेटअप दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। डोर एंड अनलॉक आपको सिल्वर कलर में मिलने वाला है। ट्विटर की प्लेसिंग, स्पीकर की प्लेसिंग, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे चारों पावर विंडो के अप एंड डाउन बटन, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, चाइल्ड लॉक दिया गया है, ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं, थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, बोतल होल्डर दिया गया है और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। बाकी एक बार सीट्स देख ले, यहाँ पे आपको फैब्रिक सीटें ऑफर की गई है AX5 मॉडल में, जिसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे फैब्रिक सीटें मिलने वाली हैं। बाकी ये रिक्लाइन, हाइट एडजस्टमेंट और स्लाइडिंग तीनों मिल जाएगा। अभी एक बार अंदर चल के मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा दूँ और फिर बात करेंगे इसकी प्राइस वारंटी वगैरह की। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा और ये आपको लेदर रेट मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कंट्रोल्स आप एक बार चेक कर ले, ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ और यहाँ पे क्रूज वगैरह के कंट्रोल दिए गए हैं।
महिंद्रा का लोगो, क्रोम फिनिश में, यहाँ पे हॉर्न की प्लेसिंग, यहाँ पे एयरबैग की प्लेसिंग। इस कार में आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके हेडलैम्प जो है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और जो वाइपर है वो भी आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग मिलने वाले हैं, जिसकी आपको यहाँ पे प्लेसिंग दी गई है। बाकी पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है। क्लस्टर में आपको ऑन करके नहीं दिखाने वाला, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये डिजिटल क्लस्टर है। AX5 में मैंने सब कुछ रिव्यू किया है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी फीचर्स अगर आपको जानना है तो आप AX5 वाला वो जो मेरा वाइट कलर का जो मॉडल है गाड़ी का, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी यहाँ पे भी देख ले, ब्लैक कलर का यूज़। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, बीमर दिया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ मिलने वाला है सभी जगह पे। बूट अनलॉक करने के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। इस गाड़ी में आपको 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। ये पेट्रोल वेरियंट है, मैं आपको बता दूँ। 3 पेडल्स जैसा कि आप देख सकते हैं। टच स्क्रीन यहाँ पे आपको 10.25 इंच का मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। इसका भी रिव्यू मैंने उसमें दिया हुआ है, तो वो वीडियो में देखिएगा। बाकी नीचे आप एक बार कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए। पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, हैजर्ड लैंप वगैरह का बटन, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी मिल जाएगा। बाकी एसी के सारे कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे टाइप ए चार्जिंग पॉइंट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर्स, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़, आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा जो कि सॉफ्ट टच रहने वाला है। एक बार यहाँ पे आपको दिखा दूँ कितना आपको यहाँ पे जगह मिलने वाली है। काफ़ी यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ पे ग्लो बॉक्स देख ले, काफ़ी डीप यहाँ पे ग्लो बॉक्स दिया गया है। काफ़ी अंदर आप देख सकते हैं, काफ़ी डीप है। बाकी यहाँ पे भी आपको 3 कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। डे एंड नाइट ओवर भी मिल जाएगा। सनग्लास होल्डर आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप मिल जाएंगे। यहाँ आप जो इसका सनरूफ है उसे यहाँ से ओपन कर पाएंगे। बाकी माइक दिया गया है। वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। तो ये था कुछ इसका फ्रंट, और बैक की बात हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसका भी मैंने AX5 में बताया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी सीधा बात करेंगे प्राइस, वारंटी वगैरह की। और जैसा कि आप ब्लैक कलर की कार देखना चाहते थे मेरी चैनल पे, एक 3XO, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि 3 सिलेंडर रहेगा। पावर की बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल में 110 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो ये मैनुअल कार आपको 18.89 km का माइलेज क्लेम करके देगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है। अभी बात प्राइजेस की, दोस्तों इसकी एक शोरूम प्राइस रहने वाली है 10,69,000, और इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी 11,91,000 रुपये, यानी कि 11,91,000 रुपीज़, जो कि शोरूम के हिसाब से वेरी करेगी। तो आप यहाँ पर शोरूम पर ज़रूर आइएगा। अभी बात इसकी सेफ्टी रेटिंग की, दोस्तों इसके जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है उसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 star स्कोर की है, तो नो डाउट ये कार भी सेफ रहने वाली है। दोस्तों ये थी ब्लैक कलर की महिंद्रा XUV 3XO। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।